चलो जी, मैं जरा इधर आया था गुलमा। एक दिन श्रीनगर घूमने के बाद मुझे पता चलता है कि गुलमार्ग बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब उधर ऐसे बर्फ बर्फ सब मिलेगा। तो फिर मैं सुबह से होटल से चेकआउट करके निकल जाता हूँ गुलमार्ग के लिए। अभी फिलहाल बस का वेट कर रहे हैं। मैंने पूछा है कि भटमालू के लिए बस आएगी क्या यहाँ से, जो होटल का देखते हैं, तो बोले हाँ यहीं खड़े रहना, इसी जगह बस रुकेगा। तो हम इसी जगह खड़ा है। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। तो एक से डेढ़ घंटा हम सफ़र करने के बाद सबसे पहले पहुंचे टनमर्ग, और टनमर्ग से हमने टवेरा चेंज की, मतलब कार चेंज की। उसके बाद 20 मिनट के खूबसूरत नज़ारों के साथ फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंचे गुलमर्ग, मतलब कि कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह। हेलो जी, मैं ज़रा इधर आया था गुलमर्ग, और यहाँ सीन कुछ ऐसे है। मैं बहुत थक गया, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पहुँचते मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। शायद इसलिए कि मैं 6-7 दिन से ट्रिप पे था, पर अब यहाँ आ गए थे तो बिना घूमे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, और उसके बाद हमने की इसकी वो जो बर्फ़ पर फिसलते ना, ऐसे आप देख लो, है ना, आप सवाल करना कि जो नीज है ये बेंड रखने है सर, ऐसा हाँ, इस शू के साथ टच, इस शू और पीछे वेट नहीं डालना है, देखना आगे सर, अपर बॉडी स्ट्रेट। आपका घर कहाँ है? 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। उधर होता है गंडोला राइड, और अभी हम जाएंगे, टिकट का पूछेंगे, थकान चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा, मैं थक गया। गंडोला का टिकट तो नहीं मिल रहा है दोस्तों, मैंने पता किया तो वो बोल रहे हैं कि आपको एक दिन पहले ऑनलाइन मिलता है, मतलब एक दिन पहले बुकिंग कर बुक कर लो, और फिर अगले दिन आके ये गंडोला कर लो, ये पीछे है, बुरा हुआ यार, पता ही नहीं था। ठीक है, अभी इस एक्टिविटी का देखते हैं भाई। जी सर, ये कितने का टिकट है? ये 2000 पड़ेगा, फुल रहता खाया जाए मैं सुना नहीं है। ये जो एटीपी की राइड है ना, ये 2000 रुपये की है भाई, इतना तो मेरे पास टोटल पैसा नहीं है, घर कैसे जाऊँगा। अरे ठंडी लग रही। यहाँ पर 4 एक्टिविटी है, एक तो बर्फ पे वो स्केटिंग बोलते क्या बोलते वो है, एक AGV है, AV यार इंग्लिश का यार साला, वो चार पहिए वाले गाड़ी जो अभी दिखाया मैंने, AVG, और गंडोला नेक्स्ट ये देख सकती है, ये भी हमने कर लिया है, तो लगभग ख़त्म हो गया है। जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है तो मन में एक डर सा रहता है कि ऐसा ना हो कहीं दूर से ऐसे फायर आए, इधर सब ख़त्म, पर चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं है। जम्मू कश्मीर घूमा जा सकता है बड़े प्यार से और अच्छे खासे पैसे से। उधर थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है और थोड़े से स्कैम भी ज़्यादा है, स्कैम की बात हम कभी दूसरे वीडियो में करेंगे, है ना। तो यही ओवरऑल था गुलमर्ग और मेरे ट्रिप के लास्ट दिन की कहानी, है ना। तो फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। बाय। वहाँ वो सरकारी निवास में होते हैं। अच्छा, आपको कोई आइडिया कितने का मिलेगा?